मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऑडिटोरियम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का जो लॉस हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप ऐसे शिक्षक बनेंगे जिनका वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी। आपको ओल्ड पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित करना है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों के मरम्मत एवं कक्षाओं के निर्माण कार्य का लोकार्पण पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती 2023 अंतर्गत चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य लेकर हम लोग सत्तारूढ़ हुए थे और उस समय बड़ी चुनौतियां थी सभी क्षेत्रों में। एक तरफ किसान थे जिसकी माली हालत खराब थी, दूसरी तरफ हमारे वनांचल में रहने वाले, चाहे बस्तर हो सरगुजा हो, लघुओं का संग्रहण करते थे, उनको दाम नहीं मिलता था। तीसरी तरफ जहां लगातार छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती थी, इलाज नहीं मिलता था। और चौथी बात, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही विकट। 1998 के बाद से शिक्षक की कोई भर्ती नहीं हुई, साथ ही जितने भी शाला भवन थे जर्जर हो चुके थे। और खासकर बस्तर जैसे अंचल में जहां नक्सल प्रभावित है, वहां स्कूल बिल्डिंग तक उड़ा दिए, बम से उड़ा दिए। जो स्कूल थे उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, समाज को नई दिशा देने वाले कहा जाता है। और ये भी कहने में मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने जो कार्य किया वो पूरे देश के सामने मिसाल बना। कोरोना में जहां स्कूलें बंद थी, सब लोग घर में कैद थे, ऐसे समय में हमारे शिक्षक अपने जान जोखिम डाल के, कोई मोटरसाइकिल वाला गुरुजी बना, कोई छतरी वाला गुरुजी बना, कोई टेलीविजन वाला गुरुजी बना, कितने नवाचार हमारे पास वीडियो अपलोड की, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई। और इसी कारण से पूरे देश में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जो पढ़ाई में जो लॉस हुआ है वो हमारी छत्तीसगढ़ में सबसे कम हुआ है। ये हमारे शिक्षकों की उपलब्धि। तो आज एक बड़ी जिम्मेदारी, जहां आपको आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला है, आपके और आपके परिवार का भविष्य सुनिश्चित हुआ है, और फिर ये भी कि आप ऐसे शासकीय सेवक बने, शिक्षक बने। हमने क्या गलत किया? और फिर उस दिन से मैंने सोचा सभी बच्चे मेरे अपने हैं, उनको भी वही सुविधा होना चाहिए जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या हिंदी स्कूल के बच्चे। और फिर बजट में सर्वाधिक राशि आज तक के 150 करोड़ प्रति वर्ष, वो तो 5 लाख से बताया आलोक शुक्ला जी, 3-4 में 5 लाख रुपया था संधारण के लिए, बढ़ के 5 करोड़, फिर आखिर में 150 करोड़ तक के था 17-18। लेकिन अब इस साल 2100 करोड़ से भी अधिक की राशि संधारण लगाया, ताकि जब हम स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं तो मंदिर है वो भग्नावशेष नहीं होना चाहिए, उसकी कोई पूजा नहीं होती, वहां पर पूजा अर्चना करने नहीं जाता। तो मंदिर स्वच्छ भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए, उसी में पूजा करने जाते हैं। तो हमारी जो विद्या का मंदिर है वो क्यों जीर्ण